हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिकर भारती में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की बुक के बारे में, जो कि देख सकते हैं आप लोग, ये ग्रामर की बुक है ना। इसमें फ्रेंड्स वोकेबलरी और कॉम्प्रहेंशन दोनों इंक्लूडेड है ना। तो हम लोग चलिए हम लोग बुक का रिव्यू करते हैं और देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो बुक है मेरे पास, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ओल्ड बुक है और ये ग्रामर पर्पज़ से जो स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं कॉम्पिटिशन की, उनके लिए बहुत बेस्ट बुक होने वाली है। तो आप प्लीज़ वीडियो पूरे लास्ट तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा इसका फ्रंट व्यू, और हम लोग चलिए इसका हम लोग साइड व्यू देखते हैं। हम लोग साइड व्यू की बात करें तो हम लोग देख सकते हैं, थोड़ी सी इतनी सी मोटी बुक है, आप देख सकते हैं साइड में, ये देख सकते हैं इतनी सी मोटी बुक है। और ये चेतन सिंह की बुक है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, है ना, देख सकते हैं मैजिकल बुक सीरीज़ की ये नाम से आती है। इंग्लिश इज़ ईजी, और ये कॉम्पिटिशन के बच्चे काफ़ी हद तक इसको पढ़ाई करते हैं। तो मेरे पास ये फ्रेंड्स, ये ओल्ड बुक है, मैंने मार्केट जाके मैंने परचेज़ किया था, है ना फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं आप लोग, ये फ्रेंड 250 की है, लेकिन है आप ओल्ड में जाइएगा, ओल्ड मतलब कि मार्केट में जाकर ओल्ड बुक जाकर परचेज कीजिएगा, तो आपको 100 रुपीज़ का अराउंड आपको आराम से मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग इसके अंदर देखते हैं हम लोग। तो जैसे ही फ्रेंड्स हम लोग इसका फर्स्ट पेज हम लोग देखते हैं, देखिए इस तरह से हम लोग का पहला पेज खुलता है, इंग्लिश इज़ी, इफ यू फॉलो दिस बुक। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो ये देख सकते हैं आप लोग, सब चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, पब्लिशिंग वगैरह सब चीज़ दिया हुआ है ना। हर चीज़ यहाँ देख सकते हैं आप लोग, फॉर वाइज कॉम्पिटिशन ये आप पढ़ लीजिए, और स्कूल और कॉलेज जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट बुक है। चलिए देख सकते हैं मेरे पास, ये बहुत काफ़ी पुरानी है, लेकिन ग्रामर जो है तो ग्रामर से इसको कोई लेना नहीं है, आप कोई भी मतलब पढ़ सकते हैं आप पुरानी बुक लेकर। यहाँ पे कुछ कुछ दी हुई है जो आप काम की नहीं है, काम की चीज़ ये है। कंटेंट्स, कंटेंट में आपको क्या क्या पढ़ना, देख सकते हैं आप लोग, नाउन है, प्रोनाउन है ना, वर्ब है, एडजेक्टिव है, हर चीज़ पढ़ना है ना, इतने सारे चैप्टर से और इतने सारे पेजेस आपको दी हुई है ना। उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं आगे हम लोग, तो ये रहा आपका एडवर्ब्स, वर्ड्स, स्पीच, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, ये सब सब दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद वोकेबलरी, ये रहा सेक्शन टू वोकेबलरी का, जहाँ पे इडियम, फ्रेज, फ्रेजल, वर्ब्स है ना, वर्ड ऑफ फॉरिन वर्ड्स, ठीक है, सिनोनिम, सेंटोनिम सब चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर। फिर उसके बाद लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन है ना, पैसेज राइटिंग वगैरह सब दिया हुआ है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग बुक हम लोग देखते हैं हम लोग अंदर क्या क्या है। ये रहा इसका फॉरवर्ड, कुछ इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, है ना, ये कुछ हम दिया हुई है। उसके बाद अबाउट ऑथर प्रोडक्ट प्रीफेस, ये भी आप पढ़ सकते हैं चाहेंगे तो। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, कुछ कुछ दी हुई है। उसके बाद मास्टरिंग द लैंग्वेज चैप्टर ज़ीरो, तो ये सब क्या क्या दिया उस तरह से आप देख सकते हैं, बताया हुआ है कैसे लैंग्वेज को आप उस पर कमांड कर सकते हैं, तो हर चीज़ इसमें दी हुई है। फिर देखिए यहाँ पर वेयर दिस बुक हेल्प्स, फिर ग्रामर, वोकेबलरी, कंप्रहेंशन, कंक्लूजन। तो फ्रेंड्स आप इसको पढ़ के आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं आप लोग, है ना, या वीडियो को मेरी जो है उसको पॉज करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश इज़ ईजी है ना। चलिए नाउन पहला ही है, ये है रहा ग्रामर सेक्शन फर्स्ट ग्रामर, ठीक है ना, ये रहा नाउन का, है ना फ्रेंड्स। देख सकते हैं आप लोग नाउन, मैंने कुछ कुछ पढ़ा था तो मैंने इसको मैंने हाईलाइट किया था, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये रहा कुछ पहला पेज, ठीक है। इस तरह से आपको दी हुई है हर चीज़ दी हुई है आपके बारे में, नाउन किस तरह से, तो मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ था, है ना, कलेक्टिव नाउन क्या है, इस तरह से आपको दिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, हर चीज़ से। फिर उसका किस तरह से बुक में दी हुई है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म्ड, हर चीज़ इस तरह से दी हुई है ना, देख सकते हैं आप लोग हर चीज़, फ्रॉम वर्ब्स है ना, फ्रॉम कॉमन नाउन्स, मटेरियल नाउन, हर चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर, जेंडर, रूल है ना, तो हर जगह पर रूल ली हुई, आप आराम से पढ़ सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस तरह से दी हुई है आपकी, रूल, नंबर है ना। तो इस तरह से काफ़ी फ्रेंड्स, आप जब जाइएगा तो आपको समझ में आपको आएगा। और ये रहा इसका फ्रेंड्स आंसर एंड एक्सप्लेनेशन, जब यहाँ पे इसकी लास्ट इसकी एक्सरसाइज अप होती है, जब चैप्टर जब पढ़ लीजिएगा नाउन, तब की आपकी यहाँ पर आपका एक्सरसाइज होता है, और एक्सरसाइज में देखिए कितने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, है ना। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन वन बाई वन सबकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो मैंने बनाया था, मैंने कुछ पढ़ा था तो मैंने एक्सप्लेनेशन टिक मैंने टिक भी किया था, उसको राउंड भी किया था, हर चीज़ किया था, मार्क किया था। तो बुक मुझे पढ़ने के बाद बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि इसको वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग के लिए हेल्प हो जाए, और आप भी इसको परचेस करके आप आराम से पढ़ सकें, ठीक है ना। और यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जो जो ग्रामर पढ़ाते हैं, तो उसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। मेरा पर्पज़ था ये बुक के बारे में बताना कि आप बुक कितना आपके लिए वर्दी रहेगा, अच्छी बुक है ये। फिर ये देखिए इस तरह से आपके यहाँ पर 40 के 40 जो एक्सप्लेनेशन करके ये दी हुई है, ये खत्म हो जाती है। फिर इसका भाई चैप्टर 2 प्रोनाउन स्टार्ट हो जाती है ना, सर्वनाम,
सब चीज़ आप देखिए इस तरह सफेद के माध्यम से दिया हुआ है, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। रूल वूल सब दिया हुआ है ना फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग इस तरह से। तो इस तरह से इसका फ्रेंड्स करते करते हम लोग आगे हम लोग चलते हैं हम लोग, क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं एक बार में भी अगर छोटा वीडियो बनाऊंगा हर पेज का तो संभव नहीं है, वो तो वीडियो में संभव ही नहीं है, और थोड़ी देर भी अगर इसको मैं लेट वीडियो बनाऊंगा तो वो भी संभव नहीं है। तो मैं एक बेस से लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना, बीच का रास्ता जो इम्पोर्टेंट है मैं वो कब बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, है ना। ये एडजेक्टिव आ गया आपका, इसके बाद अब चलिए जो काम की चीज़ है। फ्रेंड्स एक हाथ से वीडियो बनाना थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल होता, देख सकते हैं आप लोग, है ना। हर चीज़ दी हुई है इसमें, हर से इंटरेक्शन इंटरेक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, हर चीज़ दी हुई है। कंटेंट मैप आपने देख ही लिया होगा, अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, यहाँ पर आपकी आ गई सेकेंड यहाँ पर वोकेबलरी जो कि है आपकी, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। अब है वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, हर चीज़ यहाँ पर। तो इसके बारे में देखेंगे हम लोग क्या क्या इसके अंदर में है। तो इस तरह से आपको दी हुई है एकॉस्टिक एक्यूरेट, क्या क्या दी हुई है इसमें, आप देख सकते हैं हम लोग किस तरह से हर चीज़ कैसे साउंड बोलने में कैसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तो किस तरह से इसको साउंड निकलती है, हर चीज़ इसके बारे में दिया हुआ है ना। तो ये भी आप देख सकते हैं इस तरह से, देख सकते हैं यहाँ पे एम्बियंस है ना, ऐसे दिया हुआ यहाँ पर, किसको कहते हैं एमेच्योर्स है ना, और जैसे को दी हुई है तरह से हर चीज़ दी हुई है। फिर सी आ गया यहाँ पर, सी से जितनी है तो 120 कॉर्ड लेंथ दी हुई है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये आप लोग देख सकते हैं आप लोग हर तरह से दी हुई है बुक में। अब यहाँ पे एडियम्स एंड फ्रेजेस आ गए, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से भी एडियम्स एंड फ्रेजेस है ना, ये देख सकते हैं। तो हर तरह से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जो आपको है पूरी दी हुई है, ऐसा नहीं कि आपको कम इन्फॉर्मेशन, मोटी सी बुक है एकदम, इन्फॉर्मेशन आपको भर भर के दी हुई है, आराम से पढ़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं आप एग्ज़ामिनेशन के लिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स, चलिए और भी कुछ देख लेते हैं हम लोग। देख सकते हैं अपने फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है यहाँ पर, फ्री भी कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये सब चीज़ है जो आपकी एग्जाम में प्रेजेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, इस तरह से क्वेश्चन आपको दी हुई है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं आप लोग, चाहे वीडियो को स्लो करके दे सकते हैं आप लोग, है ना। वीडियो को थोड़ी सी आप जाके यहाँ पे थोड़ा स्लो करके दे सकते हैं आप लोग। हर चीज़ फ्रेंड दी हुई है, यहाँ पे आगे सेक्शन 3 जो लास्ट है कंप्रेहेंसिव सेक्शन फ्रेंड्स, रीड एंड अंडरस्टैंड। तो कंप्रेहेंसिव में देख सकते हैं आप लोग इस तरह सब दी हुई, पैसेज दी हुई है, एक्सप्लेनेशन पैसेज एक्सप्लेनेशन हर चीज़ दी हुई है ना। पैसेज 7 है ना, पैसेज 8, इसके ऊपर फिर क्वेश्चन हर चीज़ दी हुई है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई है, देख सकते हैं आप लोग पैसेज के प्रैक्टिस एक्सरसाइज यहाँ पर देख सकते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बनाने के लिए, ये देख सकते हैं पैसेज 2 की, फिर पैसेज 3 की, सब प्ले और पैसेज दे दिया गया और इसकी एक्सप्लेनेशन सब दी हुई है ना। तो काफ़ी बुक फ्रेंड्स ये आपकी हेल्प करने वाली है एग्ज़ाम में,
चलिए हम लोग आगे लिखते हैं। बुक फ्रेंड्स काफ़ी बहुत ज़्यादा है इसलिए वीडियो बनाने थोड़ी लेट हो रही है, तो फ्रेंड्स इसके लिए आप है ना थोड़े से आप पेशेंस रख के वीडियो को देखिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि अगर आपने वीडियो अगर आधा नहीं देखा तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी, तो पूरी वीडियो को पूरी देखिए, क्योंकि बुक भी है जो बहुत लेंदी है ना, तो इसलिए आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं इसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट, ये रहा आपकी यहाँ पे, और इसके बाद ये लगभग ख़त्म हो जाती है ना, हर चीज़ यहाँ पे दी हुई है, एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज वन देख सकते हैं आप लोग, पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, और पूरी सेंटेंस पूरी ख़त्म हो जाती है, और ये टोटल पेज जो है देख सकते हैं 764, यहाँ पे बुक एंड हो जाती है, 764 की ये पूरी बुक अभी ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और सपोर्ट करना। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ अगले टॉपिक में, अगले टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।